और मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री रजनीकांत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं श्री रजनीकांत जी। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए श्री रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। रजनीकांत जी वो अभिनेता जिनके काम ने दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि उन पर गहरा असर छोड़ा। उनका सफर शानदार रहा। भारत के सबसे चहेते और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं श्री रजनीकांत जी। This award is a recognition of Shri Rajnikant's acting skills, evident in various entertaining roles in his career of over 45 years in the Indian film industry. रजनीकांत जी की संवाद अदायगी, स्क्रीन पर दिखने वाला अनोखापन दर्शकों को बेहद पसंद है। वो देश के सिने प्रेमियों को पीढ़ियों से प्रेरित करते आ रहे हैं। सिने प्रेमियों की कितनी ही पीढ़ियां उनसे प्रेरणा पा रही हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए माननीय जूरी ने दो अभिनेताओं को चुना है। पहले अभिनेता हैं श्री धनुष। इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the versatility in carrying out the role of a young rebel and later as a sobered father figure in the film. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं श्री मनोज बाजपेयी। इन्हें हिंदी फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें रजत कमल। For the powerful portrayal of a brain cancer patient and sacrificing his life to uphold a woman's dignity against evil. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। For the outstanding performance as the legendary झांसी की रानी in the film मणिकर्णिका and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing old odds in the film पंगा। बहुत vindicated महसूस कर रही हूँ क्योंकि ताशकंद में मैंने सिर्फ काम नहीं किया था, मेरी वो एज अ प्रोड्यूसर पहली फिल्म भी थी। तो जब हर वो चीज़ जो फिल्म के साथ हो रही थी उसके हम लोग पहले गवाह थे, और जब धीरे धीरे चलते चलते वो 2019 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई, 100 दिन बॉक्स ऑफिस पे पूरे किए, एंड इट्स वन ऑफ द यू नो हाईएस्ट वॉच्ड फिल्म ऑन OTT चैनल, और आज जाके जब उस फिल्म को दो नेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो इसके आगे मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।